नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नथिंग फोन वन। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो, तो जैसे ही आप पहली बार अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे, आपको इन 15 सेटिंग्स को चेंज करना है। अगर आप इन 15 सेटिंग्स को चेंज करोगे तो आप काफी अच्छे तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो अगर आपको एक प्रो यूजर की तरह अपने फोन को यूज करना है तो आपको चेंज करनी है ये 15 सेटिंग्स। तो ये कौन सी 15 सेटिंग्स है, हम देखेंगे वन बाय वन। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, जिसे आप इनेबल कर सकते हो। अगर आप इसे इनेबल करोगे तो आपको शो करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेट, वेदर इंफॉर्मेशन, टाइम और बैटरी परसेंट। और जब भी कोई नोटिफिकेशन रिसीव करोगे तो उसके ऐप आइकन भी आपको शो करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आई हुई है। तो अगर आपको AOD को इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन पर टैप कीजिए और आपको ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ लॉक स्क्रीन, आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन करना है। आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। शेड्यूल पर टैप कीजिए, कस्टम टाइम पर टैप कीजिए। मान लो मुझे सुबह के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक इसे यूज करना है, तो मैंने जो टाइम सेट किया है उसी टाइम के दौरान ये जो AOD है काम करेगा इस तरीके से। दोस्तों, अगर आपने फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा आपके फोन में, तो आपने एक चीज गौर की होगी, आपको स्वाइप करना पड़ता है। आप देख पा रहे हो फोन अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन आप जब तक स्वाइप नहीं करोगे तब तक आपका फोन अनलॉक होगा नहीं पूरी तरीके से। तो आप स्वाइप अप कीजिए, उसके बाद आपका फोन अनलॉक होगा। लेकिन आप चाहते हो फेस अनलॉक के दौरान मुझे स्वाइप अप ना करना पड़े, बिना स्वाइप अप के आपका फोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में फेस अनलॉक पे टैप कीजिए और ये जो ऑप्शन है स्किप स्वाइप टू अनलॉक, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अब जब भी आप फेस अनलॉक का यूज करोगे तो आपको स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, बिना स्वाइप अप के आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हो मुझे स्वाइप अप नहीं करना पड़ा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन में कॉर्नर से डायगोनल में स्वाइप करोगे इस तरीके से, तो ओपन होगा ओके गूगल, यहां से भी और यहां से भी। अगर आप चाहते हो ऐसा आपके फोन में ना हो तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, जेस्चर्स में, सिस्टम नेविगेशन में। जेस्चर नेविगेशन के सामने जो गियर का आइकन है उस पर आपको टैप करना है और ये जो ऑप्शन है स्वाइप टू इनवोक द असिस्टेंट, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद गूगल असिस्टेंट यहां से ऑन नहीं होगा, आप देख सकते हो। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका अलग है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन पे तो पावर मेनू ओपन होगा नहीं, ओपन होगा गूगल असिस्टेंट। लेकिन अगर आपको पावर मेनू को एक्सेस करना हुआ तो पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना है और ये है पावर मेनू, जहां से आप अपने फोन को रिस्टार्ट और स्विच ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करके मैं अपने फोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट कर सकूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, असिस्टेंट में, होल्ड पावर फॉर योर असिस्टेंट, इस पर टैप कीजिए और इसे कीजिए ऑफ। इसके बाद अब आप लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन पे तो आपको मिलेगा पावर मेनू, आप देख सकते हो अब गूगल असिस्टेंट ओपन होगा नहीं। दोस्तों, कई सारे एप्स ऐसे होंगे आपके फोन में जो मल्टी विंडो या स्प्लिट व्यू सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम। आप देखोगे अगर मुझे प्ले स्टोर को ओपन करना हुआ स्प्लिट स्क्रीन में तो मैं इसे ओपन कर सकता हूं स्प्लिट स्क्रीन में, लेकिन अगर मुझे इसके नीचे इंस्टाग्राम को ओपन करना हुआ तो मैं इंस्टाग्राम को ओपन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम स्प्लिट व्यू सपोर्ट नहीं करता। आप देखोगे इसमें ऑप्शन भी नहीं है स्प्लिट स्क्रीन का। तो अगर आप चाहते हो सभी एप्स स्प्लिट व्यू सपोर्ट करें, सभी एप्स मल्टी विंडो में मैं यूज कर सकूं, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इन्फो पे टैप कीजिए, बिल नंबर पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको आना है बैक सेटिंग्स में, सिस्टम में जाइए, आपको मिलेगा नया ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस का, इस पर टैप कीजिए और आपको नीचे आना है। नीचे आपको 3 ऑप्शंस को इनेबल करना है, फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल इसे ऑन कीजिए, इनेबल फ्रीफॉर्म विंडोज इसे ऑन कीजिए और इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो इसे भी ऑन कीजिए। तीनों को ऑन करने के बाद अब आप देखोगे तो अब इंस्टाग्राम में भी शो करेगा स्प्लिट व्यू
और फ्री फॉर्म भी आपको अब शो करेगा इस तरीके से, जिसमें आप जो साइज है उसे भी चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, और इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव कर सकते हो। तो मान लो मुझे इंस्टाग्राम को यूज करना हुआ स्प्लिट व्यू में, तो मैं अब इसे यूज कर पाऊंगा, आप देख सकते हो। और नीचे मैं मान लो ओपन करना चाहता हूँ प्ले स्टोर को, तो मैं प्ले स्टोर को ओपन करूंगा। इस तरीके से आप इनकी साइज भी चेंज कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने फोन में फ्लिप टू ग्लिफ का फीचर भी ऑन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आपने अपने फोन को फ्लिप करके ऐसे रख दिया तो लाइट यहां पे ब्लिंक करेगी। इसका मतलब है कि आपका फोन अब साइलेंट मोड में है, कोई भी साउंड आपके फोन में नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो जो लाइट्स होंगे वो ब्लिंक करेंगे, वो लिट अप करेंगे, ताकि आपको पता चल सके अगर किसी का कॉल या नोटिफिकेशन आती है तो। अगर आप वापस इसे सीधा करोगे तो आपके फोन में साइलेंट मोड ऑफ हो जाएगा। वापस फेस अप करोगे इस तरीके से तो वापस आपके फोन में DND ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्लिप करके DND को ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपको इसे यूज करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, ग्लिफ इंटरफेस पे टैप कीजिए, और ये जो ऑप्शन है फ्लिप टू ग्लिफ, आपको इसे करना है ऑन। दोस्तों, आप अगर इस गूगल सर्च बार को रिमूव करना चाहते हो अपने होम पेज से तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है होम सेटिंग्स में, और ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले सर्च बार इन द डॉक, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद जो गूगल का ये सर्च बार होगा यहां से रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आपको जहां पे कोई भी मेनू मूव करना है वहां पे आप अपने हिसाब से मुंह कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, अगर आपको SMS आता है या WhatsApp से कोई भी मैसेज आता है तो उसके ऊपर मिलेगा आपको डॉट। अगर आप उस पे ऐप पे लॉन्ग टैप करोगे तो जो मैसेज आपने रिसीव किया है आपको शो करेगा। मतलब कोई भी आकर अगर उस पे लॉन्ग टैप करेगा तो मैसेज क्या है उसे रीड कर सकता है बड़ी आसानी से। तो अगर आप चाहते हो ऐसे होम पेज पे लॉन्ग टैप करने के बाद ये मैसेज शो ना करें तो आप इन मैसेज को हाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, लास्ट में आपको आना है और आपको मिलेगा ये ऑप्शन नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो आपको जो मैसेज होंगे शो नहीं करेंगे उस ऐप के लिए। दोस्तों, अगर आप कैमरा ऐप में शटर बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो कैमरा में हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना होकर बस शॉट में कैप्चर कर सकूं, तो जब भी मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा शटर पे तो बर्स्ट शॉट कैप्चर होंगे 20 बर्स्ट शॉट। तो अगर आपको ऐसा इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है स्वाइप डाउन करके सेटिंग्स में, और ये जो ऑप्शन है प्रेस एंड होल्ड शटर, इस पे टैप कीजिए, और इसके प्लेस पे आपको अब यहां पे करना है बर्स्ट शॉट। अब आप लॉन्ग प्रेस करोगे शटर पे तो 20 बर्स्ट फोटोज कैप्चर होंगी, आप देख सकते हो इस तरीके से, और आप इन्हें देख सकते हो अपने बस शॉट को। दोस्तों, अगर आप होम पेज पे स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा ऐप ड्रॉअर। लेकिन मान लो आपको अगर कुछ सर्च करना हुआ तो आपको अब अप्रोच करना पड़ेगा ऊपर में सर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो जब भी मैं स्वाइप अप करूं होम पेज पे तो डायरेक्ट सर्च बार ओपन होना चाहिए, कीबोर्ड ओपन होना चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको ऊपर तक जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऐप ड्रॉअर को ओपन करके थ्री डॉट पे टैप करना है, और यहां पे करना है ऑलवेज शो कीबोर्ड, इसे इनेबल कीजिए। अब आप देखोगे जब भी मैं स्वाइप अप करूंगा तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड ओपन हो जाएगा सर्च करने के लिए, मुझे ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे सर्च कर सकता हूं। ठीक है, तो अब सर्च करना काफी आसान हो चुका है। दोस्तों, कई बार होता है कि हमारे फोन में कई सारी नोटिफिकेशन आ जाती है और हम बिना देखे सभी को क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल करके, लेकिन बाद में हमें याद आता है कि इनमें से कुछ नोटिफिकेशन काम की थी, अब मुझे उसे वापस रीड करना है। तो आप एक बार क्लियर करने के बाद भी उसे वापस रीड कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा इनेबल करना हुआ तो आपको क्या करना है, आपको स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है नो नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है, और ये जो है यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद ही ये फीचर काम करेगा। अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन बिना ओपन किए डिसमिस करोगे तो आपको यहां पे वो शो करेंगे, आप देख सकते हो।
लास्ट 24 आवर के आपको सभी मिल जाएंगे। और पता है इसका और एक एडवांटेज क्या है, मान लो व्हाट्सएप टेलीग्राम या सिग्नल से कोई आपको मैसेज करता है और सामने वाला फिर उसे डिलीट कर देता है आपके रीड करने से पहले ही, तो आप उस डिलीट किए हुए मैसेज को भी यहाँ पे लास्ट 24 आवर में रीड कर सकते हो, तो काफी बढ़िया फीचर है, आपको इसे ऑन करना है। दोस्तों अगर आप फाइल्स ऐप से या फोटोज ऐप से कोई भी फोटो या फाइल शेयर करोगे तो आपको मिलेगा शेयर शीट, इसे कहते हैं शेयर शीट, लेकिन इसमें आपको सभी एप्स शो नहीं करेंगे, उसके लिए आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। इसके बाद आप सभी एप्स को यहाँ पे देख सकते हो और जिस ऐप में आपको शेयर करना है उस पर आपको टैप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो जो भी ऐप मैं ज्यादातर यूज करता हूं शेयर करने के लिए वो एप्स मुझे यही पे शो करे इसी लाइन में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ज्यादातर यूज करता हूं शेयर करने के लिए ड्राइव, जीमेल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें करूंगा पिन। तो आपको क्या करना है, उन एप्स पे लॉन्ग टैप करके करना है पिन जीमेल, पिन डायरेक्ट, इसके अलावा व्हाट्सएप पिन व्हाट्सएप और ड्राइव पिन ड्राइव। तो आप देखोगे अब अगर मैं कोई भी फोटो या फाइल शेयर करूंगा तो मैंने जो चार एप्स सिलेक्ट किए वो मुझे इस लाइन में शो करेंगे। मुझे अब शेयर करने के लिए स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा सारे एप्स देखने के लिए, जो एप्स मैं ज्यादातर यूज करता हूं अब मैं यहीं पे देख सकूंगा पहली लाइन में ही। दोस्तों अगर आपको भी अपने फोन पे लॉक स्क्रीन पे अपने नेम को इस तरीके से शो करना है, आप देख पा रहे हो आपका नेम यहाँ पे नीचे में बॉटम में शो करता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है यस टेक्नो फिंगरप्रिंट सेंसर के नीचे, तो अगर आपको भी अपने नेम को यहाँ पे शो करना है तो आप अपना नेम ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन पे आपको टैप करना है और ये जो ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, इस पे टैप कीजिए। यहाँ पे आप अपना कोई भी नेम एंटर कर सकते हो और इमोजी भी ऐड कर सकते हो, फिर आपको करना है सेव। तो जब भी आप अपने फोन को लॉक करोगे तो नीचे आपको शो करेगा आपका नेम जो आपने ऐड किया है इमोजी के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों मान लो आपका फोन लॉक है और ऐसे में अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो कोई भी आपके फोन में इस तरीके से उस नोटिफिकेशन को देख सकता है आपके फोन को बिना अनलॉक किए। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक हो तो ऐसे मैसेज शो ना करे, केवल मुझे ऐप का आइकन शो करे कि कौन से ऐप से मैसेज आया है लेकिन मैसेज शो ना करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। जब तक आप अपने फोन को अनलॉक नहीं करोगे तब तक वो मैसेज आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, लॉक स्क्रीन में, और जो पहला ऑप्शन है प्राइवेसी का इस पर टैप कीजिए और इसमें कीजिए दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक्ड। इससे क्या होगा, अब अगर कोई आएगा मैसेज तो केवल कौन से ऐप से आया है मैसेज वही शो करेगा लेकिन मैसेज का कंटेंट क्या है वो शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसे अनलॉक करोगे तब वो जो मैसेज होगा शो करेगा। दोस्तों आपने गौर किया होगा अगर आप कीबोर्ड का यूज करोगे तो कीबोर्ड में कहीं पे भी रुपीस का सिंबल नहीं है, इंडियन रुपीस का अगर आपको सिंबल ऐड करना हो आपके टेक्स्ट में तो आप ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे रुपीस का सिंबल नहीं है। तो रुपीस के सिंबल को अगर आपको ऐड करना हुआ आपके कीबोर्ड में तो उसके लिए आपको जाना है कीबोर्ड की सेटिंग्स में, लैंग्वेज को ओपन करना है, ऐड कीबोर्ड पे आपको टैप करना है और आपको यहाँ पे ऐड करना है इंग्लिश इंडिया। तो नीचे आइए आपको मिलेगा यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, इस पर टैप कीजिए। फिर इसके बाद आपको करना है डन पे टैप। तो हमने इंग्लिश इंडिया को कर दिया है ऐड। अब जब आप कीबोर्ड को ओपन करोगे तो आपको ग्लोब का जो आइकन दिखाई दे रहा है ग्लोब का आइकन, उस पर लॉन्ग टैप करना है और इंग्लिश इंडिया को यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद सिंबल के आइकन पर टैप करोगे तो आपको अब रुपीस का सिंबल मिल जाएगा, आप देख सकते हो अब आप कीबोर्ड में रुपीस के सिंबल को भी टाइप कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों तो ये थे वो 15 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके नथिंग फोन 1 में, जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करते हो वैसे ही, ताकि आप अपने फोन को और बेहतर तरीके से यूज कर सको। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।